तो आप लोग सब बड़े होते आगे बढ़े, तो आज हम लोग बात करने वाले फॉक्स नेटवर्क एक्सचेंज के बारे में। फॉक्स नेटवर्क जो कि है आपको शायद बहुत ही बड़ा स्कैम करके गया, कि आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप फॉक्स नेटवर्क जो कि है 100% जो आप हमारे साथ स्कैम करके गया है, और उनका कौन सा गुड न्यूज़ है जो वो लोगों ने बताया यूनिसेफ पे आप लोग एक्सचेंज करके विड्रॉ कर सकेंगे, इसका रियलिटी बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, और अगर किसी दोस्त अभी तक फॉक्स नेटवर्क पे माइनिंग कर रहा है ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐप को अनइंस्टॉल करके छोड़ देना है, क्योंकि आप लोग इसका रियलिटी बताने वाला हो। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाऊंगा, जाने के बाद आप लोग इसमें 1 स्टार रेटिंग दे देना, दे के गाली वगैरह दे देना, क्योंकि वो फॉक्स नेटवर्क 100 स्कैम करके गया है। और उन लोगों ने गुड न्यूज़ यही दिया कि वो गुड न्यूज़ जो लिस्टिंग के बाद कही थी ना, वो लोग लिस्टिंग के बाद को सॉरी, वो लोग जो गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि वो लोगों ने स्कैम कर दिया, वही उनका गुड न्यूज़ है, यही वो लोग साबित करना चाहे गुड न्यूज़ देकर वो लोगों ने स्कैम करके गया। तो सबसे पहले इनका स्वैप के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली हम लोग चले आए ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद वो लोगों ने बताया था यूनिस्वैप पे लिस्टेड कर गया। तो सिंपली मैं इधर खोजता हूँ यूनिस्वैप, जैसे यूनिस्वैप एक्सचेंज आ गया मेरे सामने, को बहुत सारे टोकन है 60-800, मैंने उसको अनलिस्ट में लगा दिया। ऊपर से पॉलीकॉन को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इधर आप लोगों को सिलेक्ट टोकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका जो भी टोकन का एड्रेस है उसको डाल के अननोन जो टोकन आएगा उसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के ऊपर देना उस टोकन को, देने के बाद नीचे आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैट्रिक वगैरह जो भी टोकन है। तो इधर आप लोग आओगे तो दोस्तों तो वेट करना। तो सबसे पहले हम लोग आगे अभी 19 ऐप पे देखते हुए टोकन लिस्टेड हुआ या नहीं, तो इधर फॉक्स और मैट्रिक देख सकते हो। ऊपर हम लोग एंटर करते हैं 1000 फॉक्स, देखने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद नीचे जो बैलेंस कितना होता है अप्रूव फॉक्स इधर देख सकते हो। इन सभी से लिक्विडिटी फॉर चेयर ये बता रहा है कि आप लोग जो वो लोगों ने यूनिसेफ पे वो लोगों ने लिक्विडिटी नहीं दिया, इसलिए आप लोग इसको स्वैप नहीं कर पा रहे हो। इसके रियलिटी यही आप होता है, वो लोगों को बताया था लिस्टेड होगा लेकिन वो लोग स्कैम करके चला गया। तो इधर आप लोग स्वैप वगैरह करने जाओ तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को स्कैम करके चला गया। तो सबसे पहले उनके चलते अभी टेलीग्राम पे, उसका भी जो रियलिटी वगैरह बताता हूँ। वो लोगों ने गुड न्यूज़ दिया था कि उनका टोकन जो रात में यूनिसेफ पे एक्सचेंज पर लिस्टेड होने वाला है, और आप लोग उद्योग वगैरह कर पाओगे, ये बताया था। बताने के बाद उन लोगों का भी जाओगे फॉक्स नेटवर्क पे जाके देखोगे प्ले स्टोर पे रेटिंग वगैरह है, अभी तक कोई भी इसका डाउन रेटिंग नहीं दिया क्योंकि सब किसी को पता नहीं। तो अभी उनका जो ट्विटर है, उनका मेन ट्विटर है, आप लोग देखोगे ये वाला मेन ट्विटर है उनका, देख सकते हो पोस्ट वगैरह सब लोग उनका मेन ट्विटर का देख सकते हो। नाम क्या रहना चाहिए था? फॉक्स नेटवर्क। फॉक्स नेटवर्क की जगह क्या बना दिया वो लोगों ने, उनका नाम वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0, क्योंकि वो लोगों ने स्कैम कर दिया। इसके लिए उनका जो भी है बैनर वगैरह सब कुछ हटा दिया, उनका जो लोगो चेंज कर दिया। कोई भी अपना प्रोजेक्ट में जो भी अपना जो प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं किया करता है, तो इस देख सकते हो ये प्रमोशन कर रहा है कोड डाउ, का जो प्रमोशन कर रहा है, इसका मतलब यही होता है वो लोग स्कैम कर गया है। नहीं तो कोई भी अपने अपना जो ट्विटर अकाउंट पे किसी भी प्रोजेक्ट का जो भी है प्रमोशन वगैरह नहीं किया, आप लोग इधर जाओगे तो देख सकते हो वो लोगों ने कौन सा को प्रमोशन किया, और आओगे तो नहीं जाओगे तो इधर आप लोग फॉक्स नेटवर्क का जो आप लोगों को जो भी दिखाई देगा सब कुछ फॉक्स नेटवर्क का पोस्ट है। तो आप लोग यही पता चलता है कि वो लोगों ने ट्विटर का अकाउंट को चेंज कर दिया, इसका मतलब वो लोगों ने स्कैम कर दिया, ट्विटर में स्कैम कर दिया, उनको अनफॉलो कर देना। और उनके यूट्यूब में जाओगे तो यूट्यूब का चैनल भी नहीं मिलेगा, उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया। उन लोगों ने क्यों स्कैम किया ये बताता हूँ, वो लोगों ने को पैसा कमाना जो था वो लोगों ने कमा लिया, क्योंकि उनका जो फॉक्स नेटवर्क है ना, अभी जाके आप लोग इसमें माइनिंग स्टार्ट करते हो तो हर बार ऐड आता था, वो लोगों ने ऐड जो भी आता था ना ऐड देकर वो लोगों ने अपना पैसा कमा लिया। जो पैसा कमाने के बाद वो लोग अपना वो लोग भाग गया तो फॉक्स नेटवर्क, का रियलिटी यही है, वो लोग स्कैम कर गया सबके साथ, इतना भरोसा दे के बाद में स्कैम कर दिया। वो लोगों ने कोई प्रीसेल वगैरह नहीं रखा था, नहीं तो वह स्कैम होता। उनका जो भी ऐप पे जाओगे तो ऐप पे आप लोग देखोगे तो उनका अभी भी बाग है, क्योंकि वो लोग ने अपने बाग को फिक्स नहीं करना था, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट स्कैम करना होता था वो स्कैम करेगा, तो वो लोग अपना ऐप को डेवलप करके क्या करेंगे, इसके लिए वो लोग अपने ऐप को डेवलप वगैरह कुछ नहीं किया, और इसलिए वो लोग अपना टोकन को लीक वगैरह भी नहीं, वो लोगों ने देख सकते अपना जो भी है वो लोगों ने स्कैम कर दिया। तो जिसने भी अभी तक फॉक्स नेटवर्क में माइनिंग कर रहा है, एक ही बात बताऊंगा, सिंपली आप लोग फॉक्स नेटवर्क को अनइंस्टॉल कर दो, इसमें आप लोग माइनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क जो कि है ना सबके साथ स्कैम करके गया। वो लोगों ने देख सकते हो 10-15 दिन से वो लोगों ने अपना ग्रुप को अब तक ओपन नहीं किया, क्योंकि ओपन करके तो वो लोग गाली खाएगा, इसके लिए वो लोग ओपन नहीं किया। तो सिंपली उनका जो भी है ट्विटर टेलीग्राम को लीव करना, ट्विटर को अनफॉलो कर देना, यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और उनका जो भी एप्लीकेशन है उसको भी अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क जो कि स्कैम कर दिया वो लोगों ने, स्कैम कर दिया, इसमें स्वैप वगैरह कुछ नहीं स्टार्ट होगा। जो भी आपका फॉक्स टोकन है वो सब आप लोग का फेक हो गया, वो कॉइन जो कि है ना आप लोग फेक है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। आपका जो भी है टोकन वगैरह है उसको अनलिस्ट करके रख देना है, उसको जो भी है तो कॉन्टैक्ट एड्रेस को गायब कर देना है। तो ये यही था उनका अपडेट जो कि है ना फॉक्स न्यूज़ स्कैम। उनका ट्विटर का अकाउंट चेंज हो गया, यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो का डाउन डिलीट कर दिया, वो देखा नहीं पाया क्योंकि मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था।
नहीं तो आप लोगों को दिखा था, वो लोगों ने अपने जितने भी वीडियो था सारे को वीडियो का अनइंस्टॉल कार्ड डिलीट कर दिया और उनका जो भी है अभी कुछ दिन बाद देखना उनका टेलीग्राम का भी सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, तो उनका जो भी है वो लोगों ने स्कैम कर दिया। तो कोई भी अभी माइनिंग मत करो क्योंकि माइनिंग करोगे तो ऐसे बेकार जाएगा। तो यही था फॉक्स नेटवर्क का, फॉक्स नेटवर्क स्कैम कर दिया। और आप लोग वॉल्व नेटवर्क को ध्यान से कर माइनिंग करना क्योंकि वो भी स्कैम कर सकते हैं कभी कभी भी, क्योंकि वो भी स्कैम हो सकता है क्योंकि आप लोग नहीं पता होगा वो स्कैम कर देगा ही, लेकिन वो भी स्कैम कर सकता है। आप लोग बताता हूँ, आप लोगों को बता दिया। तो सिंपली अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम में मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में जब भी शॉर्ट टर्म के लोग वगैरह थे सबसे पहले टेलीग्राम में मिल जाता है। और आप लोगों ने जो आप लोगों टॉप का माइनिंग ऐप है उन पर आप लोग माइनिंग माइनिंग शुरू नहीं किया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे माइनिंग ऐप का लिंक मिल जाएगा। सिंपली जाकर आप लोग इन पर माइनिंग शुरू कर देना क्योंकि ये सब आज से माइनिंग है, इसको सबको माइनिंग मत करो। जैसे कि पाई नेटवर्क, बॉन्डेड क्लीम नेटवर्क, आप लोग कुछ दिन बाद आप लोगों को पेमेंट मिलने वाला है, ओम नेटवर्क, ओमेगा कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत ही अच्छा माइनिंग ऐप है। इन पर जिसने भी माइनिंग स्टार्ट नहीं करा माइनिंग स्टार्ट कर लेना। तो आप लोगों को यही बताना था कि फॉक्स नेटवर्क स्कैम कर गया, कोई भी इसमें अभी इसका स्कैम कर गया, कोई भी अभी माइनिंग मत करो, माइनिंग करके कोई फायदा नहीं। वो लोगों ने इतना ऐड दिया, ऐड से वो लोगों ने इनको पैसा कमा लिया, तो वो लोगों ने भाग गया। वो लोग अभी उनका टोकन वगैरह लिस्ट नहीं करेगा, आप लोग ये सोच दो कि वो लोग टोकन को लिस्ट करेगा। तो यही बताना था तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम में मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लें और वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट कर लें।